हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में मैं शेयर करूँ अपने चौथ का ब्लॉग। तो वीडियो मेरी थोड़ी लेट हो गई है, और लेट इस वजह से हो गई है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप सभी को कि मेरे घर में काम चल रहा है। तो जब काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, बस इसकी वजह से लेट हो गई है। और कुछ भी मतलब घर जो है ना, पूरी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। एक तो दिवाली की क्लीनिंग के चक्कर में बिखरा हुआ है कि सब उसी टाइम होगा, और काम लगने की वजह से और ज़्यादा सारा घर अस्त व्यस्त है। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत सूट कर लिया है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो यहाँ पे ये जो वीडियो क्लिप है, ये है करवा चौथ के दिन का, यानी कि कल का है। तो यहाँ पे शाम के 3 बज गया था और मैं नहा के आ चुकी थी, और बस आलता वगैरह में लगा रही थी। इसके बाद मैं पूजा का कुछ मैंने जो है सामान सब इकट्ठा करना था, वो सब बाकी था अभी, तो वो सब मैं करने जाऊँगी। तो बस यहाँ पे सिंपल सा मैंने आलता का डिजाइन बनाया है, और ये बिछिया मैंने नया वाला पहना हुआ है, थोड़ा सा हैवी पहन लिया। डेली में मैं इतना हैवी नहीं पहन पाती हूँ। और पायल मैंने ये नया लिया है, तो जो मैं डेली पायल पहनती थी वो मेरा पायल अभी फ़िलहाल में ही टूट गया था, तो मैंने ये नया लिया है। और जल्दबाजी में कभी भी कुछ भी पसंद लायक नहीं मिलता, तो ये जो मेरा पायल है पुराने डिज़ाइन वाला है। पर प्रेशर था कि जल्दी से जो पसंद आ रहा है जल्दी से लेके जल्दी घर जाना है, तो बस इस चक्कर में जो मुझे वहाँ पर पसंद आया मैंने उठा लिया। तो बस डेली के लिए मैंने ये लिया है, तो कौन सा ज़्यादा दिन चलना है, बस 4-5 महीने में तो ये टूट ही जाना है। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने लगा वगा लिया है। अब मैं जाऊँगी सारा पूजा का सामान जो है रेडी कर लूँगी, उसके बाद मैं तैयार होंगी। तो यहाँ पे जो दिए वगैरह हैं बस मैंने सब रख लिया है, इसमें घी वगैरह बाती वगैरह सब लगा दे रही हूँ, और फल वगैरह सब मैं धो के रख लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ तैयार होकर, और यहाँ पे जो है उधर आवाज़ हो रहा था, काम चल रहा था जिसकी वजह से आवाज़ हो रहा था थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैंने जो है यहाँ का म्यूट कर दिया है साउंड। तो बस यहाँ पे जो है मैं जैसे तैसे तैयार हुई हूँ, क्योंकि क्या हुआ था कि सुबह से ही मॉर्निंग से ही मेरे सर में दर्द, बहुत तेज़ दर्द हो गया था। इस वजह से मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, पर फिर भी मैंने बहुत कुछ मतलब सर दर्द में इतना कुछ किया है, मेरे लिए बहुत है कि जब मेरा सर दुखता है तो बाल में गजरा लगा हुआ है, पर यहाँ मैंने बहुत कुछ बनाया। तो इसको मैंने कल ही बना लिया मैंने, और कल बना के मैंने इसको फ्रीज में रख दिया था। जो फूल है वो एकदम ही, और ये जो फूल है ना, इसका अगर गजरा बना के अगर फ्रीज रख दिया जाए ना, ये 5 दिन तक मैंने रख के देखा है इसको, 5 दिन तक ये एकदम फ्रेश रहता है। तो पिछली टाइम मैंने जो वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने ये गजरा बनाया था, तो 5 दिन तक मैंने इसको ऐसे ही रखा था। और इस बार जो करवा चौथ है मेरा, मैं क्या बताऊँ, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बहुत अजीब गया, क्योंकि ना तो मुझे अच्छे से फूल मिला। मतलब जो मेरा घर है वो मार्केट से, मैं बता रही हूँ जो मेन मार्केट होता है उससे मेरा घर 15 किलोमीटर दूर है, और जो हमारे पास का मार्केट है ना, वहाँ पे कोई भी फूल नहीं मिला मुझे। मिल रहा था यही सफ़ेद वाला फूल जो मेरे पास ऑलरेडी मेरे घर में ही है, तो मैंने ये नहीं मंगाया, घर से ही ले लिया। बाकी मुझे ना तो फूल मिला और ना सरई मिला। सरई के लिए भी मेन मार्केट जाना पड़ता है, इधर नहीं मिलता है। तो बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, और एक तो सर दर्द हो रहा था। तो बस जैसे तैसे मैंने, फिर भी मैंने खुद से बहुत कोशिश किया कि सब कर लूँ, और किया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने चंद्र के लिए जो करवा तैयार करते हैं चंद्र को अर्घ देने के लिए, वो कर रही हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला है, उसके बाद मैंने जल डाला है, और अब मैं यहाँ पे कच्चा दूध गाय का डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अक्षत, और अक्षत डालने के बाद एक सुपारी और एक सिक्का इसमें डाल लेना होता है, उसके बाद चंदन और रोली डाल लेना होता है, और एक सफ़ेद फूल, और बस इस तरीके से। और जो मौली है उसको मैं करवे के गले पे बांध दूँगी, मौली मतलब वही रक्षा सूत्र जो होता है उसको मैं बांध लूँगी और स्वास्तिक बना लूँगी। तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पूजा करते करते भूल जाती हूँ कि आगे क्या करना है, और थोड़ी देर बाद मुझे याद आता है, तो ये चीज़ मेरे साथ होता है। और इसके ढक्कन पर इस तरह से चावल रख के और इसके ऊपर मैं दिया रखूँगी, तो ये मेरा चंद्रमा को अर्घ देने वाला जो करवा है वो तैयार हो जाएगा इस तरीके से।
और सरई भी नहीं मिला। सरई के लिए भी मेन मार्केट जाना पड़ता है जो कि बहुत दूर है। और घर में मेरे एक ही हैं अविनाश, मेरे देवर, जो कि घर में काम लगा हुआ, तो घर का काम देखना रहता है उन्हें। तो इस वजह से कुछ भी जैसे मुझे चाहिए था नहीं मिल पाया। और एक दिन पहले भी जाना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं तो अकेले जा नहीं पाती, वही लेके मुझे जाते हैं, तो बहुत दिक्कत हो गया था। इस वजह से बहुत कुछ मेरा जो है नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे दूसरा करवा मैं तैयार कर लूँगी। इसी तरीके से मौली बांध लेना है गले पे करवा के, उसके बाद स्वास्तिक बना के, और इसमें गेहूँ मैंने भरा है, और इसी गेहूँ में से 13 दाना लेके मैं अपने आँचल पर इस तरीके से बांध लेती हूँ। और जब मैं चांद को अर्घ देती हूँ तो उस टाइम ये गेहूँ भी मैं वहीं पर अर्पण कर देती हूँ, डाल देती हूँ वहीं पर ये गेहूँ भी। तो ये तब तक मैं बांध के रखूँगी जब तक कि चंद्रमा को अर्घ ना दे लूँ। तो अब दूसरा जो करवा है वो भी मैंने तैयार कर लिया है। और थोड़ा सा चावल से मैंने अष्टदल कमल बनाया है, हल्का सा बस मैंने वो फूल बना लिया है जो बनाते हैं। और दोनों करवा मैंने लगा लिया है, और माता को भी मैंने रख दिया करवा माता को। और सिंपल सा, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, सिंपल सा मैंने माला पहनाया है पर जो है सो है। और फूल थोड़ा सा जो था उससे मैं सजा भी दिया है। तो माता की चौकी जो है तैयार हो गई है, बस पूजा करना है। और इस बार ऐसा हो गया था कि जैसे ही ये सब तक मेरा जो है सर तो दुख ही रहा था, पर थोड़ा तबीयत ठीक था, और लेकिन जैसे ही मेरा ये सब कंप्लीट हुआ, मुझे पूजा करना था, उस टाइम से मेरा तबीयत पूरा बिगड़ गया। और यहाँ पे मैंने थाली में रखा हुआ है माता का श्रृंगार का सारा सामान, और ये रखा है मैंने अक्षत, चंदन, रोली, सिंदूर, हल्दी और मौली, और यहाँ पे आम का पत्ता लिया मैंने, और जो फूल मेरे पास थे यही फूल लिया मैंने। और उसके बाद इसमें है फल, चावल और पान, सुपारी, लौंग, इलायची, यही सब। और फिर जो बायना में देते हैं वो सब है। और यहाँ पे मैंने मिठाई रखा है 2 तरह का। तो यहाँ पे मेरे यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, जो पास का मार्केट वहाँ पे सारा कुछ आपको मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिल पाता है। तो सारा कुछ के लिए मेन मार्केट जाना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल हुआ इस बार। इस बार मुश्किल इसलिए हुआ क्योंकि घर में काम लगा हुआ था। तो जैसे यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट किया था, और ये मेरे देवर यहाँ पे थोड़ा बहुत सूट कर रहे हैं। तो क्या हुआ था कि जैसे ही मैंने पूजा स्टार्ट किया, मेरा तबीयत पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। मैंने जैसे तैसे किताब, 4 कथा होता है वो सब पढ़ना होता है, तो वो सब पढ़ा। और उनको भी, अविनाश को भी कहीं जाना था, शाम हो गया था, मतलब अंधेरा हो गया था, उनको बाहर जाना था थोड़ा काम से, तो वो निकले हुए थे बाहर के लिए। तो वीडियो मेरा वहाँ पर नहीं शूट हो पाया, और मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब था कि बस मैं पूजा कर ली, वही मेरे लिए बहुत था। और उसके बाद 1-9 बजे के आसपास मैं गई थी चांद को अर्घ देने, चांद की पूजा करने। तो ये भी यहाँ पे भी मैंने मना किया था उनको कि रहने दीजिए, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, मैंने बस पूजा कर लिया वही बहुत था मेरे लिए, पर वो थोड़ा बहुत यहाँ पे सूट कर दिए थे। सो मैं आप सभी के साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो इस बार ब्लॉग मेरा जो है करवा चौथ का आधा अधूरा रहा, पर नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूँगी सब कुछ अच्छे से शेयर करूँ। तो आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। सारी ही सुनाऊं अपडेट वे लोकां दियां देख देख जोड़ी इदां वे मैं मन समझाउंदी रही आईफोन च फोटो वेख तेरी मैं करे।